जीन्स, डीएनए और क्रोमोसोम्स आपका बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करने के साथ साथ आपको नई पहचान भी देते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होते हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपके सेल्स में स्टोर होते हैं और आपको पता ही है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बनते हैं। नर्व सेल्स, हेयर सेल्स और स्किन सेल्स सेल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। इनके शेप्स भी डिफरेंट होते हैं लेकिन सेल्स के बेसिक पार्ट्स सेम होते हैं। सेल्स में मेम्ब्रेन नाम का एक आउटर बॉर्डर होता है। इस मेम्ब्रेन के भीतर साइटोप्लाज्म नाम का लिक्विड मटेरियल होता है। साइटोप्लाज्म में सेल का न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के भीतर क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस की सभी सेल्स में जनरली क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं। इनमें से 22 पेयर्स को ऑटोसोम्स कहते हैं। मेल्स और फीमेल्स के 22 ऑटोसोम्स पेयर्स सेम होते हैं, जबकि 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम्स मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होते हैं। फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं, जबकि मेल्स में एक्स और वाई क्रोमोसोम की 1-1 कॉपी होती है। क्रोमोसोम्स वास्तव में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के डीएनए की एक लंबी रस्सी की तरह होते हैं। डीएनए का शेप किसी ट्विस्टेड लैडर की तरह होता है, जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। लैडर के स्टेप्स 4 बेसिस एडेनिन ए, थाइमीन टी, गुआनिन जी और साइटोसिन सी से बने होते हैं। डीएनए के स्ट्रेच को जीन कहा जाता है। आपकी बॉडी किसी रेसिपी की तरह जीन्स और लैडर्स को रीड करके प्रोटीन बनाती है। डीएनए में बेसिस के ऑर्डर के साथ साथ जीन की लेंथ और सीक्वेंस प्रोटीन का साइज और शेप तय करता है। प्रोटीन का साइज और शेप आपकी बॉडी में इसके फंक्शन को डिटरमाइन करता है। प्रोटीन्स सेल्स बनाती हैं, सेल्स टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज आपकी बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। तो जीन्स तय करता है कि आप क्या हैं, काउ, एप्पल या ह्यूमन। जीन्स आपके बालों, स्किन और आईज जैसी बहुत सी चीजों का कलर भी तय करती है।